नमस्कार, भारत लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोरे भोर में हम बिहार की राजनीति को आपके सामने रखते हैं और बिहार की राजनीति में हो रहे हलचल से आपको रूबरू कराते हैं। जो ताज़ा हलचल है उसमें कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक बार फिर से उबाल ला दिया है। आपको बता दें कि लगातार ये कयास चल रहा था कि आखिर महागठबंधन का क्या होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी। चिराग पासवान के ताज़ा स्टैंड से कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। इन बातों को अचानक से विराम देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, पर दूसरी तरफ जहाँ महागठबंधन को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि आरजेडी के स्टैंड से कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस कोई नया रास्ता अपना सकती है, इसमें कई लोगों के मंसूबे और कई लोगों के बांछे खिलने की बात सामने आ रही थी। लग रहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर के एक नया विकल्प तैयार होगा, पर इन सब बातों को सिर्फ कयासों तक ही मान के भारत लाइव चल रहा था और भारत लाइव का ये मानना था कि कांग्रेस आरजेडी के साथ ही रहेगी। अब आपको बता दें कि जो ताज़ा हालात आए हैं, ताज़ा स्थिति बनी है, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में दिल्ली में बातें और बैठकें हो रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। इन सब के बीच में अचानक से आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह से सह और मात का खेल चलने लगा, इसने एक बार फिर से साथी दलों को सोचने के लिए और थोड़ा पल और रुकने के लिए विवश कर दिया। एक बड़ा दाव खेलते हुए जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने आरजेडी के कई नेताओं को, कई विधायकों को अपने पाले में किया, वहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तेजस्वी यादव ने उनके सबसे करीबी और पुराने आरजेडी के नेता लालू प्रसाद के पुराने समर्थक श्याम रजक को अपनी पार्टी में ला करके एक बड़ा कार्ड खेला है। और ये कार्ड दलित कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इससे एक बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है कि बिहार सहित देश की राजनीति में एक बात प्रमाणित करने और चर्चा का विषय बनती जा रही है कि नीतीश कुमार दलितों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। दलित विरोधी होने का ठप्पा लगाने का प्रयास पूरी तरह से अपमान के चलिए कि नीतीश कुमार पर लगने लगा है। एक तरफ जहां श्याम रजक का बेआबरू होकर पार्टी से बाहर होना, और बाहर होना का मतलब था कि पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया, इसके साथ ही चिराग पासवान के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसे लेकर के भी बिहार की राजनीति में जबरदस्त ढंग से चर्चा का विषय बना हुआ था। इन सब विषयों पर विराम लगाते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है और इस स्टैंड में कहा जा रहा है कि सब कुछ लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच कई तरह की घटनाएं सामने आईं। आपने देखा होगा कि कई दल अचानक से एक इस बात की चर्चा करने लगे थे और इसकी चर्चाएं जमकर होने लगी थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह का आरजेडी व्यवहार कर रही है और अपने साथी दलों से बात नहीं कर रही है, बैठकें नहीं हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, उसमें कांग्रेस कोई बड़ा स्टैंड ले सकती है और उसके साथ आरजेडी को छोड़कर बाकी के सभी महागठबंधन के दल शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक बात बहुत तेज़ी से आई कि जीतन राम मांझी का बहुत ज़्यादा नज़दीकी बढ़ गया है नीतीश कुमार से, और उसी का प्रकटीकरण, उसी का कारण है कि श्याम रजक वहाँ से बाहर निकल कर के आए हैं और चिराग पासवान पर भी आंखें टेढ़ी कर रही है जदयू। जदयू और एलजेपी के बीच में वाक युद्ध जारी है और इस वाक युद्ध को चुपचाप इंतजार कर रही है, देखने में ही समय बीतता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे विवादों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस विवाद पर विराम लगाने का प्रयास भी किया है। हमने आपको बताया था कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी मानसिकता है। उसे ये लग रहा है कि अगर दोनों की आपसी कलह, आपसी झगड़े में कुछ अगर उसका फायदा हो जाता है तब तक इंतजार किया जा सकता है। इस बीच कई विकल्प जो हमने आपको बताया कि खुले हुए थे, तैयारी लगातार चल रही थी कि कहीं ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान के एनडीए से बाहर आने के बाद जो बाकी के महागठबंधन के दल हैं वो बाहर आ जाते हैं, अगर उनकी नहीं बनती है आरजेडी के साथ, तो ऐसे में एक
थर्ड फ्रंट की यानी कि नए महागठबंधन की तैयारी हो सकती है। और इस महागठबंधन की तैयारी में कई लोगों ने अपना जुबान जो है वो धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया था। कयासों का बाजार गर्म था और पप्पू यादव ने तो आगे बढ़ करके यहाँ तक कहा था, जबकि पप्पू यादव को आप जानते ही हैं कि पहले भी वो दलित मुख्यमंत्री की बात कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 1.5% वोट वाले नीतीश कुमार यदि बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने जातीय आधार पर ये बातें कही थी। वहीं अगर 20% से लेकर के 30% के बीच में वोट वाले चिराग पासवान क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने एक बड़ा कार्ड खेला था। और यहीं से धीरे धीरे चिराग पासवान और रामविलास पासवान के बयान भी आने लगे थे। रामविलास पासवान ने तो यहाँ तक कहा था कि हाँ, चिराग पासवान में सीएम बनने की क्षमता है, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, युवा हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक अनुभव भी है। इसके साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास राजनीतिक दलों के तरफ से हो रहा था, पर अचानक से कांग्रेस के तरफ से आया बयान सारे कयासों पर विराम लगाता है। श्याम रजक के मामले में जहां एक तरफ विरोधी और जदयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान के साथ साथ श्याम रजक की बातों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। श्याम रजक नीतीश कुमार के पास आरजेडी से ही आए थे और तब उन्होंने लालू प्रसाद के नीतियों, उनके क्रियाकलाप, उनके शैली का विरोध किया था। अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक से नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं? क्या उन्हें ये समझने में 11 साल लग गए? ये बातें कहते हुए जम करके जदयू के तरफ से हमला किया गया है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से श्याम रजक ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र पर हमला किया था, उसे लेकर के केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी नाराज चल रही थी, जिसका परिणाम सामने आया है कि मजबूरन बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है नीतीश कुमार को, श्याम रजक को। श्याम रजक अपने पुराने घर में जाकर के काफ़ी खुश हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद के शासन से जनता ने छीन करके नीतीश कुमार को दिया था, पर नीतीश कुमार ने उसी जनता के साथ बहुत बड़ा छल और धोखा किया है। अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है जो वो दिखा सकें। बार बार सिर्फ लालू प्रसाद का बात करना, लालू प्रसाद की चर्चा करना और लालू प्रसाद की नाकामियों को गिनाना नीतीश कुमार की सिर्फ कार्यशैली रह गई है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो दिखा सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने तो मंत्री रहते हुए त्याग किया है, अगर है किसी में हिम्मत तो नीतीश कुमार के सामने बोल के दिखाएं, किसी को भी वो अपने साथ नहीं रखेंगे। और खास करके दलितों के प्रति उनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरह है, यानी कि दलित दमन का वो पूरी तरह से प्लान बना के चल रहे हैं। इन सब के बीच जो नया नया बात सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के इस नई दोस्ती को लेकर के या फिर बढ़ती दोस्ती को लेकर के जहां चिराग पासवान असमंजस की स्थिति में है, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बड़ी मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ी है। आने वाला चुनाव वो आरजेडी के साथ ही लड़ेगी और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। समय आते ही अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जो नीतीश कुमार को छोड़कर हमारे पाले में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर भी कमोबेश लालू का जो नया सगुफा है, या कहा जाए कि नया जो लालू ने मंत्र दिया है, वो मंत्र कहीं ना कहीं सबको भा रहा है। श्याम रजक की वापसी होने के बाद ये मुद्दा सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है, जो हमने आपको पहले भी बताया है, कि 2020 के चुनाव में 2015 की तरह जहां वहां आरक्षण की बात हो रही थी, यहां दलित कार्ड खेला जाएगा और दलित विरोधी होने का एक बड़ा हेतु और कारण जनता के सामने रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सवर्णों को लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं और हो सकता है कि समय रहते सवर्णों को भी अपने पाले में करने का महागठबंधन एक बड़ा प्रयास करे। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से लेकर के एजेंडा तक हमारा सब कुछ तय है, बहुत जल्द हम इसकी घोषणा करेंगे और आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी
बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के तय हो जाएगा। जहां तक हमारी जानकारी है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में इस बार RJD डोमिनेट करेगी और बड़ा भाई होने का बात सभी ने मान लिया है। बहुत जल्द कांग्रेस के हाथ में कमान होगा और वो अपने हिसाब से महागठबंधन के साथियों को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर तैयार कर लेगी। लगातार कांग्रेस के तरफ से प्रयास किया जा रहा है और RJD ने भी, जैसा हमारा सूत्र बता रहा है, जो हमारे गुप्त सूत्र हैं RJD के अंदर, जो हमारे सूत्र हैं या अलग अलग पार्टियों के अंदर जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि सब कुछ लगभग तय है, बस सिर्फ वक्त का इंतजार हो रहा है कि कब चुनाव आयोग के तरफ से ये घोषणा कर दी जाए कि चुनाव कब होंगे। चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ साथ बिहार में एक बड़ा सियासी भूचाल आएगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूरी तैयारी कर चुके हैं पाला बदलने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पाला बदल वाले कांड में कौन कितना ज़्यादा लोगों को अपने पाले में कर पाता है, क्योंकि एक तरफ जहां NDA में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों सीट अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहते हैं, वहीं सीधी तौर पे RJD ने कांग्रेस को अपने हिस्से की सीट छोड़ करके बाकी सीटों पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। देखना होगा कि ये किस तरह से संभव हो पाता है और आने वाले 2020 के चुनाव में कांग्रेस कैसे अपने साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन तैयार कर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और अगर LJP उनके साथ रहती है तो उनसे पार पाते हैं और 2015 के परिणाम को दोहराते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।